स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। एक और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये क्रिटिकल अटैक्स को काउंटर करने के लिए। हमारे पास अभी दो हीरो है शैडो फाइट अरीना में जो क्रिटिकल अटैक्स को इजीली काउंटर कर सकते हैं अपने दो टैलेंट के थ्रू, आयरन क्लैड लाइक अ रॉक और होंगजू डांसिंग फूल। अपोनेंट लॉर्ड ऑफ द रिंग मैक्स लेवल का प्लेयर है और ये जो वीडियो है दोस्तों वो डेडिकेटेड है लिंग और युका कैंपर्स के ऊपर। दो गेम प्ले है और आप लोग इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को और देखिए कि कितनी मुश्किल हो सकती है अगर आप लोग क्रिटिकल जो लिंग का स्पेशलिटी है स्लैशिंग स्ट्राइक, अगर आप उसको काउंटर कर लो तो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं लिंग कैंपर्स। ये देख लो आप लाइक अ रॉक टैलेंट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आयरन क्लैड वहाँ पे नॉकआउट हुआ ही नहीं। नॉकआउट हो जाएगा तो उसको एक हैवी मिल जाएगा, हैवी मिल जाएगा तो उसको डैमेज मिलेगा जिससे हमारा हेल्थ कम होगा। और हमारे पास ऑब्वियसली ऐसे सिर्फ दो हीरोज़ हैं जो काउंटर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लीडर बोर्ड के सिनेरियो को देखो तो युका कैंपर्स और लिंग कैंपर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लिंग ऑब्वियसली हम लोग का मीटा है 8000 के ऊपर, उसका हेल्थ है, डैमेज ज़बरदस्त, साथ में स्लैशिंग स्ट्राइक। और अगर क्लैड की बात करें तो हमारा क्लैड पहले जैसा रहा नहीं। मैं यहाँ पे नॉकआउट बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ और हाई पॉइंट थ्रेशोल्ड काफ़ी दिनों बाद। इवन मैं एपिक वेपन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जो उसका दूसरा रेयर वेपन है जो शेडो एनर्जी गेन करने में मदद करता है वो वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। और किंग को मैं रखा हूँ क्योंकि किंग को टीम में रखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि युका जैसे हीरोज़, लिंग जैसे हीरोज़, इवन जो दूसरे हीरोज़ हैं शेडो फाइट अरीना में काउंटर करने के लिए सबसे बेहतर है किंग ऑफ द लीजन। और ऑब्वियसली लास्ट में यूटिलाइज करेंगे किंग ऑफ द लीजन को। आप लोग को अभी सिर्फ क्रिटिकल अवॉइड करना मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे क्रिटिकल अटैक से हम लोग परेशान हो सकते हैं क्रिटिकल हीरोज़ जैसे लिंक हो, जैसे युका हो। युका के टीम वर्क वाले जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अरीना में, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हैवी करेंगे और उनका क्रिटिकल रेडी रहेगा। क्रिटिकल करके वो फिर रोल ओवर करेंगे और फिर हैवी करेंगे। जितनी बार हैवी होगी उतनी बार युका का जो शेड है वो क्रिटिकल अटैक करने के लिए रेडी रहेगा। ये बहुत अनॉइंग चीज़ भी है दोस्तों क्योंकि बहुत कोई इससे परेशान है, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो युका का टीम वर्क वाला जो टैलेंट है वो लेवल 2 पे है। जो सेकंड टायर ऑफ जो टैलेंट होता है उस टायर भी अवेलेबल है, आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कोई मतलब नहीं है। अगर वो टैलेंट आपके पास होगा तो आप किसी भी हीरो को इजीली हरा सकते हो और कैंप वाले प्लेयर्स तो इजीली हरा लेंगे, कोई उसमें स्किल की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो अवॉइड करेंगे अटैक्स का, वेट करेंगे और जब आप अटैक्स करो और वो काउंटर करेंगे स्पिनिंग अटैक से या अपर अटैक से जो भी हो। और अगर हैवी उनका कनेक्ट हो गया तो क्रिटिकल रेडी है, फिर रोल ओवर करके फिर से एक हैवी करेंगे फिर क्रिटिकल रेडी है। तो ये जो चेन है दोस्तों वो कंटिन्यू रहता है। आज मैं ये वीडियो ट्राई करना चाह रहा था लीडर बोर्ड, तो मैंने 4 मैचेस खेले दोस्तों, चारों मैंने जीते हैं। दो वीडियोज़ इसमें है जो मैक्स लेवल का प्लेयर्स है, दो वीडियो लो लेवल का प्लेयर्स थे वो मैंने डिलीट कर दिया कि लेवल 11 का शो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्स लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको दिखाना है। और ऑब्वियसली दोस्तों कैंपर्स अगर आप नोटिस करो तो दोनों प्लेयर्स लगभग 3000 ट्रॉफीज के ऊपर हैं। नेक्स्ट होंगजू है, हम लोग का होंगजू सभी जानते हैं कि डांसिंग कोल टैलेंट का, वो भी बहुत ऑफ है। और यहाँ पे मैंने एक्रोबैट सीक्रेट के बदले इनकोर लिया है और साथ में ड्रामा टूर्जी लिया है दोस्तों सिर्फ डैमेज के लिए। मैं चाहता तो हेल्थ रिजनरेट कर सकता था लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डिफेंसिव नेचर से खेलोगे दोस्तों तो हार सकते हो। मैं हमेशा से एक एग्रेसिव प्लेयर हूँ, बहुत लोग बोलेंगे या एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन किसी के बोलने से कुछ जाता नहीं दोस्तों। आप लोग देखते हो वीडियोस, आप लोग को पता है मैं कैसे खेलता हूँ, हर बारी कैसे खेलता हूँ, चाहे कैंपर्स हो चाहे अच्छे प्लेयर्स हो। बहुत ही कम स्टांसेस में मैं अपने प्लेइंग स्टाइल को चेंज करता हूँ, वरना मैं आप जानते हैं ग्रैब करने का इजी मौका हर एक को दे देता हूँ क्योंकि मुझे रुकना पसंद ही नहीं है यार, ख़त्म करो जल्दी। किंग ऑफ द लीजन लास्ट हीरो है मेरा दोस्त। युका कैंपर्स कैसे परेशान कर सकता है आप देख सकते हो। ये देखो लो, उसके बाद शेड के बाद ऑब्वियसली स्पिनिंग अटैक और उसके बाद रगड़ने के लिए तो रेडी रहेंगे दोस्तों। ये देख लो, ये है असली प्लेयर्स अरीना के। इन लोगों को पैसिव प्लेयर्स बोला जाता है दोस्तों, ये लोग कैंपर्स नहीं है, ये पैसिव प्लेयर्स, ये लोग प्रो प्लेयर्स। ये देखिए 9th लाइफ का कैसे फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। क्रिटिकल देखिए, शेड रिवेंज तैयार है दोस्तों। और ये देखिए हैवी, यही चीज़ मैं कहना चाहता था, टीम वर्क शेड्स रिवेंज। ये दो टैलेंट ऐसे हैं दोस्तों जो आपको परेशान कर सकते हैं। इस टैलेंट का फ़ायदा मैं इवेंट में उठाता हूँ, मैं लाइन नहीं करूँगा लेकिन मैं कैंप नहीं करता हूँ दोस्तों, सिंपल सी बात है। लेकिन जब कैंपर्स वाले युग का अगर आपको मिलते हैं शेड्स रिवेंज या फिर टीम वर्क टैलेंट के साथ,
तो कितने परेशान कर सकते हैं वो आप भी जानते हो। अनरैंक्ड खेलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इवेंट और रैंक्ड में अगर आप हार जाओ तो फ्रस्ट्रेशन होता है। वही चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मेरा हेल्थ देख लो दोस्तों, ख़त्म ही एकदम। लेकिन किंग क्या है दोस्तों, सैक्रिफिशियल पैक प्लस रेन ऑफ द टायरेंट, चाहे वो डार्क वेल में हो चाहे वो नॉर्मल हेल्थ में हो, आप सरप्राइज़ कर सकते हो अपोनेंट को। जैसे मैंने यहाँ पे सरप्राइज़ किया, ये देख लो सेट्स रिवेंज का फ़ायदा इसने कैसे लिया, और प्लस नाइन्थ लाइन जो अटैक्स मैंने किए थे उसका हेल्थ रिजनरेट हुआ। देखो फिर से सेट्स रिवेंज का इसको फ़ायदा मिला। हैवी करना चाहे या मेरा हैवी, मुंह पे पड़ी है स्वॉर्ड और युका के निकल ये सारी होशियारी। आले ले बउवा हार गया, बउवा इनोसेंट बन रहा है। आले ले ले बउवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बउवा के साथ क्या हो गया। इसको अच्छे से पवित्र कर दिया दोस्तों। हम लोग चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, ओडिन। ये भी मैक्स लेवल का प्लेयर है, ट्रॉफीज लगभग 2900 के पास। शुरुआत इसने किट से किया, रिजवर मैंने होंगजू से। अगर शेडो फाइट अरीना में बगैर क्रिटिकल टैलेंट के किसी को सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिलता है तो वो है केट दोस्तों। अगर आप केट के साथ खेल रहे हो नोटिस करोगे कि उसका हर तीसरा अटैक क्रिटिकल होता है। विश्वास नहीं है तो ये देखो पहला ही अटैक उसका क्रिटिकल था दोस्तों। क्यों क्रिटिकल था आप लोगों को पता होना चाहिए। जब शुरुआत में केट शेडो फाइट अरीना में जब आई थी या शेडो फाइट अरीना जब शुरू हुआ था तो केट के पास एक टैलेंट था ब्लॉक ब्रेक, जो लेवल 2 टायर पे टैलेंट था आई गेस, लेवल 2 और लेवल 3 पे, लेवल 3 पे था, जो अभी लिजनरी असॉल्ट से रिप्लेस हो गया है। उस टैलेंट पे क्रिटिकल मिलता था प्लस ब्लॉक ब्रेक मिलता था। शायद वो मैकेनिक्स टीम कभी चेंज कर ही नहीं पाई, या चेंज करने की कोशिश की है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, और उसको एज इट इज़ रहने के लिए या तो उसका प्रोबेबिलिटीज घटा दिया गया है और टैलेंट को तो चेंज कर ही दिया गया है। लेकिन केट का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रेशियो है दोस्तों। ये लोग इतने टैलेंटेड है दोस्तों, कितने अच्छे से काउंटर कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि जब ये लोग हारने लग जाते हैं तो ये लोग कैसे खेलते हैं, अपने को कैसे चेंज करते हैं। सब कुछ पता है लोगों को किस हीरो का कैसे टैलेंट को काउंटर करना है, जंप करके काउंटर करना है, कैंप करके काउंटर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे केट को होंगजू ने ख़त्म कर दिया है। होंगजू भी अब पहले जैसा ओपी नहीं रहा दोस्तों, क्लैड के तरह अब होंगजू भी इतना नर्फ हो चुका है कि अब उसके बस की बात नहीं है शेडो फाइट अरेना में एक साथ किसी भी तीन हीरो को हराना। एक हीरो को आप हरा सकते हो, इवन दो हीरो को आप हरा सकते हो, लेकिन तीसरे हीरो को आप बिल्कुल नहीं हरा सकते। ये देखो यहाँ पे सोचा था इसने कि ये ग्रैब करेगा, लेकिन इस बार मैं कामयाब रहा ग्रैब करने के लिए। ये लोग आगे नहीं आते दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न है ये लोग का कि ये लोग आगे नहीं आते। यहाँ पर ट्रैम्प मिस हुआ, अभी यहाँ पे मैं स्पेक्टिकुलर लैंडिंग मिस कर रहा हूँ दोस्तों। स्पेक्टिकुलर लैंडिंग के बदले मैंने यहाँ पे इंकोर लिया था, लेकिन स्पेक्टिकुलर लैंडिंग काफ़ी सही टैलेंट है इंकोर के बदले, क्योंकि अभी फील किया मैं होंगजू के साथ काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ, इवन क्लैट के साथ काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ। मैं तो रैंक्ड मैचेस खेलता ही नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को पहले भी बताया है कि कंटेंट मेरे पास कुछ नहीं था, और बगैर कोई कंटेंट के और मैं वीडियो डाले बिना रह नहीं सकता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह कि मैं वीडियो डाले बिना रह नहीं सकता हूँ। हाँ, शेडो फाइट 3 वीडियोज़ जब डालता हूँ तो उस दिन अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन फिर भी जो अरीना के वीडियोज़ है वो तो डालना ही है मुझे, क्योंकि मेरी रिकग्निशन अरीना के वीडियो से ही है, ना कि शेडो फाइट 3 के वीडियो से। और बहुत कोई मिस करते हैं वॉइस ओवर को, तो ऑब्वियसली वॉइस ओवर भी करने की कोशिश करता हूँ। विश्वास नहीं करोगे, रात के 3:15 बज रहे हैं दोस्तों, अभी तुरंत CSK का प्रेजेंटेशन मैंने देखा, CSK फाइनल जीता था। प्रेडिक्टेबल था कि CSK इस बार का फाइनल जीतेगा, फेवरेट टीम MI है जो कि प्ले ऑफ में बाहर हो गई थी। और वो ख़त्म करके मैं सोचा कि चलो वॉइस ओवर करके फिर सोना भी है, फिर सुबह अपलोड भी करना है, काम पे भी जाना है, तो वॉइस ओवर करना डेली हो नहीं पाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी सोचा था इस वीडियो के लिए वॉइस ओवर करना ज़रूरी है। सामने युका है दोस्तों, क्लैड है सामने, बर्जक टैलेंट चालू है, क्रिटिकल तैयार। इस युका ने दोस्तों टीम वर्क किया है, जो पिछले गेम प्ले की युक्का थी उसने शेड्स रिवेंज लिया था। तो ये बेहतर वीडियो था आप लोग के लिए दोस्तों कि दो युक्का देखिए, हैवी हुआ और वह क्रिटिकल तैयार दोस्तों। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वेट करेंगे। देखो लाइक रॉक टैलेंट का फायदा दोस्तों, वहाँ पे गिरा नहीं, अगर वहाँ पे गिर जाता वो रोल ओवर करता, फिर से हैवी करता, फिर से उसका क्रिटिकल तैयार रहता। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग मेरा गड़बड़ा गया दोस्तों, और यहाँ पे क्लैट ख़त्म। चलते हैं किंग की तरफ, क्योंकि किंग का टीम में होना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। मुझे लगता है हेल्गा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लीजन किंग। हेल्गा तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आप सेम कंटेंट रिपीट नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और नए कंटेंट्स के लिए आपको नई नई चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए टॉन्ट कैसे कर रहा है दोस्तों, ये है अरीना के प्लेयर्स दोस्तों, महान प्लेयर्स, ये लोग स्किलफुल प्लेयर्स है दोस्तों। ये लोग पैसिव है, ये लोग प्रो पैसिव है, ये लोग कैंपर्स नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं रियलिटी क्या है।
मतलब ये इतने जल्दी सेलिब्रेट कर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हार नहीं मानना यार। ठीक है 30 ट्रॉफीज माइनस होता है, कोई बात नहीं, दो बार खेलेंगे ट्रॉफीज वापस आ जाएगी, लेकिन हार नहीं मानने का, लास्ट तक ट्राई करूँ मैं, लास्ट तक कोशिश करता हूँ दोस्तों, लास्ट तक। लेकिन जब देखता हूँ कि अब नहीं हो पाएगा तो चलो ठीक है अब हार लिए, हार मान ली। यहाँ देखिए किंग डार्क वेल में उसका हेल्थ थोड़ा सा बचा है, एक बार सरप्राइज करने की ज़रूरत है, लेकिन न्यू का तो बस ऑब्वियसली 9th life है दोस्तों। और आजकल शेडो मूव जाने पे कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, और ये एक कमेंट में मुझे पता चला कि शेडो मूव में ही ज़्यादा फ्रीज होता है कंट्रोल्स, और ये एकदम सही है दोस्तों, नॉर्मल में बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होता है। और 9th life टैलेंट दोस्तों ला के ना ये लोग कैंपर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिए, क्योंकि वो लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि जब हेल्थ कम रहता है और वो लोग तुरंत शेडो मूव में गए, और अगर अटैक्स पड़ा तो सेम रेशियो में उसका हेल्थ रिजनरेट हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख लो क्रिटिकल का फ़ायदा कैसे मुझे मिला है काउंटर करने के लिए क्रिटिकल्स को। ये वीडियो को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, लिंक कैंपर्स और युका कैंपर्स के लिए स्पेशली क्रिटिकल्स कैसे काउंटर करें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगा, बाय बाय।